सो ऑलराइट हे गाइस, फिर से अभी ट्यूटोरियल बनाने का फिर से टाइम आ गया है। अभी मैंने टॉक्सिस का बनाया था और आज आपको दो ट्यूटोरियल देखने को मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, देखते रहें और दोनों को बराबर का प्यार दें, कहीं आप एक को ज़्यादा एक को कम कर दें। तो ये अल्फा कंसेप्ट का है और विजय माहर का है। विजय माहर भाई ने बहुत अच्छा बनाया था, मैं इसे सोचा कि खुद क्रिएट करने का। ये है इमेज और 188888। ये इसकी जो आप कहोगे बिफोर है। देखते हैं क्या बनता है इसका। एक मिनट बस। अगला कंसेप्ट अगर आपको जो चाहिए हो तो आप वो बता सकते हैं, किसी बंदे का देखना हो कि ऐसे टाइप का हो। विजय मार भाई तो अभी थोड़ा शायद 2-3 दिन बाद आएगी उनकी मेन पोस्ट, देखेंगे कैसी है। बहुत अच्छी बनाते हैं और शायद रमजान आ गया है। विश यू ऑल यार, आपको सबको हैप्पी नैदर। यार मैं मुस्लिम नहीं हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन विशेस हर किसी को दी जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इफ़ एनीवन मुस्लिम इज़ हेयर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, फोटो की स्टार्ट करते हैं। देखो कितनी अंतरात्मा। और ये कंसेप्ट को यार मैंने कम से कम 2 से 3 बार बनाया है, ठीक है। तो मेरे स्टार्टिंग में नहीं अच्छे से बना था, अराउंड रात के 12-1 बज गए थे, लेकिन तब भी कंसेप्ट ये बना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि जस्ट क्रिएट करता हूँ। एक 3 बार अलग अलग जगह पे मैंने बनाया है कंसेप्ट, कि कॉपी ना हो विजय महार टाइप वाला, बिल्कुल भी अलग लगे उनसे, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन की बात यही रहती है कि हमेशा कि आप अपने कंटेंट को जब क्रिएट करें तो कॉपी नहीं होना चाहिए बस। वो ये नीचे वाली जस्ट मैंने वो रखी थी, इसे सेफ बोलते हैं कि कटिंग मेरे को बार बार ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ एक बैकग्राउंड पहले से ही मैंने रेडी कर रखा है, इसमें मैट कर रखा है मैंने। मैं आपको बता देता हूँ मैट कैसे करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे मैंने यहाँ बादल पहले कट आउट करके लगा रखे हैं, पहाड़ लगा रखा है अलग से, रिवर अलग से लगा रखी है, और ये सामने का अलग से लगा रखा है। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए मैंने पूरा कर रखा है और इसे मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा PNG में, तो ये आपके लिए बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, आपको कोई काम करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको डायरेक्ट ये PNG मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले इम्पोर्ट करता हूँ मैं अपने आप को। यहाँ मैंने कटिंग अपने आप की बहुत अच्छे से कर रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से करी थी मैंने। टाइम लगाया था धीरे 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 धीरे। कटिंग के लिए जो टूल यूज़ करते हैं वो पेन टूल यूज़ करें, आप प्रेफर यही करें, पेन टूल आप पहले यूज़ करें, बाद में क्विक सिलेक्शन विक सिलेक्शन करें। क्योंकि जब आप मास्टर कर देंगे पेन टूल को, तो यार आप थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में अचीव हो जाएंगी चीज़ें आपकी, ठीक है। तो यहाँ बढ़ते हैं हम। यहाँ ये पैंथर है जो मैंने लगा रखा है अपनी फोटो में। ये पैंथर डायरेक्ट PNG है, कोई वैसी नहीं है, तो ये PNG भी मैं शेयर करूंगा। अब मैंने शेडो डाली थी, तो शेडो यार मैंने कैसे कहाँ से कैसे निकाल दी कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठ गई वहाँ पे, ठीक है। शेडो मैंने बहुत ईजिली ढूंढी है यहाँ पे। आपको शेडो हमेशा ढूंढनी चाहिए फोटो के अंदर से, आप कोई कलर ब्लैक सेलेक्ट करके ना डालें हमेशा। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि शेडो है, यहाँ आपको दिख रहा है शेडो है, यहाँ आपको दिख रहा है शेडो है, यहाँ आपको दिख रहा है शेडो है। तो मुझे इन पत्थरों की डालनी है, तो मुझे यहाँ की शेडो नहीं लगेगी, यहाँ की लगेगी। तो मैं यहाँ से कोई भी चीज़ कॉपी करूँगा और जस्ट उसके बाद यहाँ मैं एक न्यू लेयर बना देता हूँ और फिर मैं धीरे 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 यहाँ पेंट करूँगा। तो देख सकते हैं आप, मुझे कोई ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो अच्छे से ब्लेंड हो गई, खुद ही खुद ब खुद हो गई इमेज मेरा अच्छे से ब्लेंड। अब मुझे यहाँ की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ की देखा, वहाँ की शेडो वहाँ पे काम नहीं करी, अब यहाँ की यहाँ करेगी, ठीक है। तो हमेशा शेडो पे भी ध्यान दें आपकी कहाँ की किस पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये एक यहाँ मेन था जो मुझे समझाना था शेडो के बारे में, ठीक है। शेडो के बारे में जो मैंने आपको ये नीचे की थी वो मैं समझा दिया है। अब ये शेडो नीचे वाली एक लेयर थी, वो जस्ट मैंने शूज़ के नीचे थोड़ी थोड़ी और बनाई थी एक्स्ट्रा, थोड़ी डिटेलिंग दी थी वहाँ पे, ठीक है। बस ये कर रखा है, लेकिन अब ये शेडो असली नहीं लग रही है। क्यों नहीं असली लग रही है? क्योंकि मैंने नीचे शेडो ड्रॉ करी है यार। आप जब किसी शेडो को देखेंगे तो जहाँ पड़ भी रही होगी वहाँ भी होगी, ठीक है। तो उस जगह को बनाने के लिए भी मैंने यहाँ शेडो डाल रखी है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे क्लिप कर दिया लेयर को, ठीक है।
क्लिप करने का मतलब क्या होता है कि जब आप क्लिपिंग कर देते हैं तो ये बस इसी इसी एरिया पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्लिप जो कर रखा है तो कैसे वर्क करेगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर रखा, अब क्लिप में जब मैं पेंट करूँगा ना तो हमेशा उसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगा जहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ। ये देखिए कहीं बाहर कलर नहीं जा रहा है इन जूतों से, तो यहीं पर ही है। तो यहाँ मैंने धीरे धीरे बहुत अच्छे से पेंट करा है, ऐसे स्लोली स्लोली, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर, अब वो मर्जिंग बहुत अच्छी हो गई है वहाँ पे, अब कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही है वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं इस कर्व्स में इतना खास, ठीक है। सो कंप्यूटर के अब थोड़े फैन स्टार्ट हो गए हैं रनिंग, तो थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ पे फिर मैंने ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट डाल रखे अपने पे कि मैं ज़मीन की कॉन्ट्रास्ट से मैच हो जाओ। आप हमेशा फ़ोटो में कॉन्ट्रास्ट ज़रूर मैच करें, कॉन्ट्रास्ट एक मेन पार्ट होता है। जो कॉन्ट्रास्ट अगर आपकी मैच हो जाती है तो फिर यार कलर ग्रेडिंग में भी अच्छे रिजल्ट आते हैं आपके। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा एक्सटेंड लेवल तक ले गया मैंने, अभी केयर नहीं करी कि मेरा फेस कैसा दिख रहा है वाइट एंड ब्लैक, वो मैं बाद में रिकवर भी कर सकता हूँ इजीली, लेकिन अभी मेरे को मेन था कॉन्ट्रास्ट अचीव हो। फिर उसके बाद मैंने कलर लुकअप डाला। कलर लुकअप क्या था यहाँ पे, बस डे एंड नाइट मैं सिंगल यही कलर यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और कोई कलर नहीं यूज़ करता, ठीक है। यहाँ पे ये यूज़ कर दिया और अपेसिटी कर दी 50%, क्योंकि 100 बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो यहाँ फिर मैंने मून डाला, मून ऊपर क्यों डाला नीचे क्यों नहीं डाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। वो मून मुझे पॉपी चाहिए था थोड़ा दिखे यार कि है चांद। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा और डार्क करा पैर के पास कर्व से, और सिंपल कर्व आप देख सकते हैं यहाँ पे, कर्व थोड़ा सा नीचे करा है, और ये डार्क का कर्व है। हमेशा मैं बीच में से नहीं यूज़ करता, कोने इस कोने या इस कोने से, ठीक है। तो ये एक आपकी गुड प्रैक्टिस है, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल थ्रू आउट पीछे से भी देखते आ रहे हैं तो ये आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आपने कैसे करा था, ठीक है। तो जब मैं कोई PSD आपको बता रहा हूँ तो आप साथ साथ शायद ओपन भी करें, क्योंकि अब मैं टेलीग्राम पे पहले PSD अपलोड करता हूँ, बाद में ट्यूटोरियल यूट्यूब पे आता है, ठीक है। तो आप कि आपके वर्क फाइल डाउनलोड करने का भी टाइम रहे और उसे यूज़ भी करना पड़े, कई बंदों का होता है नेट कनेक्शन। तो यहाँ मैंने पाइप पकड़ रखा था एक, जस्ट कि मैं बाद में कुछ लगा दूंगा, तो अब उस चीज़ का टाइम आ गया है लगाने का। तो पाइप को हटाना है और यहाँ तलवार लगानी है, तो तलवार लग चुकी है, तो तलवार की PNG मिल जाएगी, ठीक है। ये तलवार कुछ इतनी ऊपर है, और ये मैंने अपने डेथ रिपर कॉन्सेप्ट में भी यूज़ कर रखी है। तो एसेट्स यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है कि आपने पिछले में यूज़ करा अगली में नहीं कर सकते, आप हमेशा कर सकते हैं जब तक आप उस चीज़ का क्रिएटिव यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तलवार मुझे फेडेड लग रही थी, मैं एंड में बताऊँगा मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करा था। तो यहाँ पे मैंने तलवार की भी थोड़ी सी वो कंट्रास्ट कम कर दिया, कंट्रास्ट वही सेम तरीके से, कोई डिफरेंस नहीं है, सब आपके सामने आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मैंने यहाँ लाइनिंग ड्रॉ करी है। सिंपल लाइनिंग ड्रॉ करने का सबसे बढ़िया तरीका, तो यहाँ आप एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अच्छा सा ब्राइट वाइट, ठीक है। और फिर अपने ब्रश को कर लें छोटा 16 या 17 तक, और फिर ऐसे ऐसे लाइन क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। एज इन पे लाइंस ड्रॉ करना आ जाएगा आपको, ठीक है। सो लाइंस डालना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता, लेकिन उससे ना एक थोड़ी डेप्थ मिल जाती है फोटो को अच्छी खासी, तो इसलिए मैं लाइंस डालता हूँ फोटो में, और वो रियलिज्म अचीव कर लेती हैं फोटोज, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने सारी लाइनें क्रिएट कर रखी हैं, वो थोड़ा रफली मैंने दिखाया था, थोड़ा सीरियसली करके दिखा देता हूँ आपको। तो ऐसे जब आप क्रिएट करेंगे एज टू एज, बिल्कुल ध्यान ध्यान से टाइम लगा लगा के, तो आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो वो मैचिंग रिजल्ट्स होंगे, और बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो लगाइए आप टाइम। और मैंने कहाँ कहाँ कर रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने तलवार पैर जूतों पे हर जगह कर रखा है। तो ये एक लाइन है, और उसको मैंने फिर बाद में ना गॉसियन ब्लर 2% कराया। गॉसियन जब आप ये कर लें लाइनिंग फिनिश, तो फिल्टर में आके ब्लर गॉसियन ब्लर 2% का डाल दें, मतलब 2 रेडियस का, तो वो एक अच्छा सा फेडेड और प्यारा सा हो जाएगा, वो एक हार्ड स्ट्रोक नहीं रहेगा, सॉफ्ट स्ट्रोक बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद फिर मैंने यहाँ क्या कर रखा है, इस लेयर पे, इस पे लाइन है, हाँ इसके मैंने थोड़ी अलग करके मैंने यहाँ नेक के पास करी थी इस चीज़ को, ये नेक पे देख सकते हैं आप, और हेयर्स में कर रखी है मैंने थोड़ी थोड़ी कि हेयर्स भी कलर मैच हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद ये पैंथर की है, तो आप पैंथर पे देख सकते हैं कैसे हार्ड स्ट्रोक है, लेकिन मैंने इस पे हार्ड स्ट्रोक रखे थे क्योंकि इसकी बॉडी पे पहले से पेंटेड हो रखा था, तो यहाँ हार्ड स्ट्रोक अच्छे लग रहे थे इस पे, तो मैंने हार्ड स्ट्रोक ही रहने दिया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कर्व्स डाले थे, अब मैंने वापस वही डिटेल रिगेन कर ली है जो यहाँ लॉस्ट हुई थी। ठीक है, अब मैंने डिटेल रिगेन कर ली, कॉन्ट्रास्ट भी मैच हो गया। अब मैंने यहाँ क्या करा था, मैंने जस्ट इंक्रीज कर दिया था कॉन्ट्रा वो अपने कर्व्स को कि मैं बाकी डिटेल ले लूँ, और फिर उसके बाद मैंने मास्क कर दिया, तो आप देख सकते हैं मैंने कैसा सी कर्व बनाया है कि आपका डायरेक्ट अटेंशन यहाँ और मुंह पे जाए। तो यही है एक थोड़ा कंसेप्ट और लाइटनिंग को करने का कर्व से। और फिर मैंने यहाँ नेक पे क्रिएट कर रखा, तो ये डायरेक्ट PNG है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आपको भी इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाने के लिए इंटेंस है तो ये मैंने बनाया है पेन टूल से, जस्ट ऐसे ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ। ठीक है, और जब आप कर लें स्ट्रोक पाथ नहीं करना, मेक सिलेक्शन, ठीक है, वन फैदर का, और फिर जो भी कलर से आपने फिल करना हो आप वो कलर डाल दीजिए, मैंने वो येलो कलर डाला है। ठीक है, और ये अब एक थोड़ा साईफाई लुक दिख रहा है। तो अब उसके बाद मैंने फिर वही अपना बेसिक फंडा, ग्लो 10%, 20%, 30%, इसी लेयर कॉपी करके उसके ऊपर गॉज एंड ब्लर डाल देते हैं बस। ठीक है, तो ये लेयर थोड़ी ब्लैंक है, कुछ होने से शायद ज़्यादा, और इसमें कुछ खास नहीं है। फिर मैंने स्मोक डाला था कि जो पैर हल्के से वैसे दिख रहे हैं, कहीं किसी को नोटिस में ना आए कि मतलब कोई बंदा डायरेक्ट मेरे पैरों पे ही ना देखे, मेरे आर्ट में जहाँ एडिटिंग क्या होती है, एडिटिंग होती है कि आप चीज़ों को, वो चीज़ों को छुपाएं जो छुप सकती हैं, एडिट में बस यही करा जाता है, अपनी कमियों को हटाया जाता है एडिटिंग में। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान भटकाने के लिए, मेरे जूतों पे डायरेक्ट ध्यान ना जाए, तो मैं यहाँ इसलिए अपना वो डाला है स्मोक कि आपका ध्यान डायरेक्ट वहाँ ना जाए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ आते हैं ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप मैं यूज़ करता हूँ लाइटनिंग्स के लिए, तो यहाँ ग्रेडियंट मैप मैंने ऐसे यूज़ कर रखा है, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। ये कलर है और ये कलर है। ग्रेडियंट मैप जस्ट सिंपल होते हैं, आपको यहीं से मिल जाएंगे, बहुत सारे होते हैं, और उसे स्क्रीन मोड पर कर दिया था मैंने, अगर नॉर्मल पर करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता यार कि मुझे वो कलर आएगा जो मिला है ये वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्वीकिंग और सेटिंग के साथ आएगा। और यहाँ क्रोज डाले मैंने कि ये पीछे उड़ते हुए दिखाई दें, और थोड़ा सा मैंने फिल कम करा है, जब मुझे चीज़ों को दूर दिखाना होता है तो फिल कम करते हैं, और चीज़ों को ज़्यादा दूर भी दिखाना होता है तो ब्लर करना पड़ता है, इसलिए क्रोज को यहाँ मैंने फिल से डाउन करा है। और यहाँ मेन जो मैंने इसमें एक रेड कलर का रिबन डाला है, अब मैंने एक स्टॉक फोटो निकाली थी, ठीक है, कट करे वहाँ लगाई, और फिर कर्व से मैंने इसकी ब्राइटनेस डाउन कर दी कि वो उस टाइम के कलर से मैच हो जाए। फिर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की एक और लेयर डाली जिससे मैंने ब्राइटनेस बिल्कुल डाउन कर दिया, और मेरा इफेक्ट था कि यहाँ से ब्लैक होते होते रेड आए, एक फेडिंग लुक क्रिएट हो, तो आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से। ठीक है, तो ब्लैक भी दिख रहा है और अच्छा भी दिख रहा है। फिर उसके बाद मेन कलर ग्रेड सिंपल सी है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं कर लिया मैंने इस बार यहाँ कलर ग्रेड, तो कलर मुझे बहुत अच्छे अच्छे हो रखे हैं पहले से। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज, और ये फोटो हो गई है मेरी रेडी, और ये था मेरा अल्फा कंसेप्ट जो विजय महान ने अपलोड करा था। सो मेरी तरफ से ये है, और प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को ज़रा प्यार दें, और इंस्टाग्राम पे जाके मेरी, अगर इस ट्यूटोरियल ने आपका हेल्प करा तो मेरी इंस्टाग्राम पे जाके इस फोटो को जरूर शेयर करें कि मैं बहुत बंदों तक रीच आउट करूँ। यार मेरा अकाउंट बहुत अंडर ग्रो है, ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। सो थैंक यू गाइज, आपने यहाँ तक मुझे झेला और इस ट्यूटोरियल को देखा।